स्टूडेंट्स, यकुप्रेजी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आई लव लिटिल पुसी ये पोयम जो क्लास सेवन्थ के लिए है, एमपी बोर्ड से ली गई पोयम है, इसका अध्ययन किया था। आइए आज इसकी एक्सरसाइज करते हैं हम हिंदी में। यह रही वो पोयम जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था, हिंदी में इसे एक्सप्लेन किया गया था। अब इसी पोयम की एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं जिसके अंतर्गत क्वेश्चन आंसर्स और कुछ एक्सरसाइज हमने आज यहाँ पर ली हुई है। तो चलिए इस एक्सरसाइज की हम शुरुआत करते हैं प्रश्न उत्तर यानी क्वेश्चन और आंसर से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोयम अबाउट। पोयम जो है किसके बारे में है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। द पोयम इज अबाउट द पुसी कैट। जी हाँ, पुसी कैट, पुसी बिल्ली के बारे में ये पोयम थी जिसका नाम है आई लव लिटिल पुसी। द आंसर इज द पोयम इज अबाउट द पुसी कैट। तो यह था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पोयम। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएट से अबाउट द कैट्स कोट। कैट्स कोट यानी कैट की जो लोम चर्म है उसके बारे में पोएट क्या कहता है। एंड द आंसर इज द पोएट सेज दैट द कैट्स कोट इज वार्म। जी हाँ, कैट्स कोट यानी कैट की जो लोम चर्म है, जो उसकी त्वचा है, वो वार्म है। वार्म मीन्स गर्म है। तो अपना आंसर है द पोएट सेज दैट द कैट्स कोट इज वार्म। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट विल द चाइल्ड डू विद द पुसी। चाइल्ड यानी जो बच्ची जो है वह पुसी के साथ क्या करेगी। एंड द आंसर इज द चाइल्ड विल प्ले वेरी जेंटली विद द पुसी। जो चाइल्ड जो है, बच्ची जो है पोयम में, वह पुसी के साथ खेलेगी बहुत जेंटली, बहुत अच्छे से वह खेलेगी पुसी के साथ में। दैट्स वाई द आंसर इज द चाइल्ड विल प्ले वेरी जेंटली विद द पुसी। चलिए आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, चौथा प्रश्न कौन सा है। वेयर विल द पुसी सिट। पुसी जो कैट है, पुसी बिल्ली जो है, वह कहाँ बैठेगी। हमारा प्रश्न है पुसी कहाँ बैठेगी। एंड द आंसर इज द पुसी विल सिट बाय पोएट्स साइड। पुसी जो है, जो वो कैट जो है, पोएट के साइड यानी पोएट के, कवि के बाजू में बैठेगी। तो यह था हमारा चौथा प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे देखते हैं हम पांचवा प्रश्न क्या है। व्हाई विल द पुसी लाइक द चाइल्ड। पुसी जो है चाइल्ड यानी बच्ची को क्यों पसंद करेगी। एंड द आंसर इज द पुसी विल लाइक द चाइल्ड। पुसी जो है चाइल्ड यानी बच्ची को पसंद करेगी बिकॉज, क्योंकि सी इज जेंटल, वह जेंटल एंड गुड, वह अच्छी और दयालु है, इसलिए वह बच्ची को पसंद करेगी। तो यह था हमारा अंतिम प्रश्न। अब आगे हम देखते हैं कुछ एक्सरसाइज जो इसी पोयम में दी गई है। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज आई लव लिटिल पुसी के अंतर्गत हम एक्सरसाइज देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स का अर्थ होता है उच्चारण एक जैसे परंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो। ऐसे शब्द जिसका उच्चारण तो एक जैसे होता है मगर अर्थ जो है भिन्न होता है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं आई, आई यानी मैं, और नेक्स्ट में ई वाई ई आई यानी आँख। टी ए आई एल टेल यानी पूँछ। टी ए एल ई टेल यानी कहानी। एस डबल ई सी यानी देखना। एस ई ए सी यानी समुद्र। एच ओ एल ई होल यानी छेद।
WHOLE होल यानी पूर्ण, WRITE राइट यानी लिखना, RIGHT राइट यानी सही। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम उच्चारण तो एक जैसा कर रहे हैं मगर इनकी जो मीनिंग है, इनका जो अर्थ है वह भिन्न अर्थ है। तो ऐसे शब्दों को हम होमोफोन्स कहते हैं। तो यह एक्सरसाइज भी आपको इसी पोयम के अंतर्गत मिलेगी। हम आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आगे भी हम इसी तरीके के वीडियो लेकर आपके लिए प्रस्तुत होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।